WCL में नौकरी लगाने का झांसा देकर निवृत्त पुलिस अधिकारी से 6 लाख की ठगी की गई है। सदर पुलिस ने ठगबाज के खिलाफ धोखाधड़ी का यह मामला दर्ज किया है। आरोपी न्यू चनकापुर कॉलोनी खापरखेड़ा निवासी बीरबल शिव कुमार चौधरी है। पीड़ित राजेंद्र महादेव धोपटे जयदुर्गा हाउसिंग सोसाइटी नरेंद्र नगर है। धोपटे फरवरी 2022 में शहर पुलिस से सहायक उप निरीक्षक के पद से निवृत्त हुए है। जुलाई 2010 से धोपटे बीरबल को पहचानते हैं। बीरबल WCL के पीपला खान में लिपिक था। उसने धोपटे को उसके माध्यम से कई लोगों को नौकरी मिलने का झांसा दिया। उसने धोपटे को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिखाए। धोपटे ने रिश्तेदार के लिए नौकरी की खोज कर रहे थे। बीरबल ने उनकी नौकरी लगाने का बताया। उसने धोपटे से 4 लाख रुपए देने को कहा। बाद में तीनों प्रत्याशियों की उम्र अधिक होने का बताकर रुपयों की मांग की। धोपटे ने उसे 6 लाख रुपए दिए। बीरबल ने धोपटे को सिविल लाइन्स के राजभवन परिसर में मिलने बुलाया। वहां तीनों प्रत्याशियों के दस्तावेज लिए तथा धोपटे को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए। उसने नियुक्ति में वक्त लगने का बताकर कुछ दिन इंतजार करने को कहा। कई दिनों इंतजार के बाद नियुक्ति नहीं होने से धोपटे को संदेह हुआ। उन्होंने WCL कार्यालय पहुंचकर पड़ताल की, तब उन्हें लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम नहीं मिले। धोपटे ने क्षेत्रीय मैनेजर से संपर्क किया और उन्हें नियुक्ति पत्र दिखाए। उन्होंने नियुक्ति पत्र फर्जी होने का बताया। धोपटे ने बीरबल को रुपए लौटाने को कहा। वह टाल मटोल करने लगा। धोपटे ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। फिर यदि रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी धोपटे आहे आणि त्यांना मुलाच्या नोकरी लावून देतो याला आम्ही देऊन बनावट नियुक्ती पत्र दिलेलं आहे। आरोपी हा बीरबल चौधरी हा WCL मध्ये काम करतो आणि त्याने बनावट दस्तऐवज तयार केलेले आणि यांची जवळपास 5,95,000 रुपयाची फसवणूक केलेली आहे। त्यावरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे आणि पुढील तपास PSI वाकळे अंकुश वाकळे हे करत आहे। जे फिर्यादी आहे त्यांची आणि यांची ओळख झाली आणि या ओळखीच्या नुसार आरोपींनी त्यांना आम्ही दिलं की बाबा WCL मध्ये पैसे जर दिले तर तुम्हाला नोकरी तुमच्या मुलाला नोकरी मिळू शकते। तर फिर्यादी त्या आमिषाला बळी पडले आणि बळी पडल्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी 5,95,000 रुपये दिले। त्यानंतर आरोपींनी त्यांना एक बनावट नियुक्ती पत्र दिले। पण फिर्यादी जे बनावट नियुक्ती पत्र घेऊन ज्यावेळेस WCL गेले असता तिथे अशा प्रकारची कोणतीही वॅकन्सी उपलब्ध नाही, तसेच अशी जाहिरात पण निघाली नव्हती आणि असं कोणतंही ऑथेंटिक त्यांनी नियुक्ती पत्र तिथून काढलेलं नव्हतं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।